हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ वाटर्स की। सॉयल में कितने टाइप के वाटर पाए जाते हैं, टाइप ऑफ वाटर इन द सॉयल, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि सॉयल में कितने टाइप के वाटर पाए जाते हैं। सबसे पहला तो हम देखते हैं जो वाटर होता है जिसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक टाइप इसकी तो ये होगी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सेकेंड टाइप हो गई कैपिलरी वाटर। और थर्ड टाइप हो गई ग्रेविटेशनल वाटर। ये मेन थ्री टाइप्स हैं। इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से ये वाटर कैसे किस तरह से पाए जाते हैं और प्लांट्स के लिए किस तरह से अवेलेबल होते हैं। तो ये एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। ये वो वाटर है जो कि जैसे ये सॉयल पार्टिकल है, तो सॉयल पार्टिकल अगर इनको थोड़ा बड़ा सा कर दें तो आपको क्लियर दिखे, सॉयल पार्टिकल्स के बाहर एक पतली सी फिल्म की तरह ये लगे हुए होते हैं। इसके बाहर सॉयल पार्टिकल से ये पतली सी फिल्म की तरह चिपके हुए होते हैं। और ये जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये हो गया कि जो कि सॉयल पार्टिकल से एक फिल्म की तरह चिपके हुए होते हैं उसमें। अब ये तो हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सेकेंड टाइप हो गया कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये जो सॉयल के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इस तरह से, इन सॉयल पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस है, इनमें जो वाटर पाया जाता है, इन स्पेस में जो वाटर पाया जाता है ये कैपिलरी की तरह काम करता है। तो इसी को कहा जाता है कैपिलरी वाटर। ये वाटर जो है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। प्लांट्स कैपिलरी वाटर को ही क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्लांट का रूट है और ये यहाँ पर प्लांट है, तो ये कैपिलरी वाटर को ही प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। अगर सॉयल में वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम हो कि उसमें वाटर पूरी तरह से भरा हुआ हो और उसमें कैपिलरी वाटर अगर ना रहे तो फिर वहां पर प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और प्लांट्स बाद में क्या होता है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है। तो कैपिलरी वाटर जो होता है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। थर्ड आ गया ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ग्रेविटेशनल वाटर ये होता है कि अगर हम यहाँ पर जो सॉयल का क्रस्ट है वो अगर हम ड्रॉ करें और इसमें हम देखते हैं कि प्लांट जिस तरह से लगे हुए होते हैं, यहाँ पर हम एक प्लांट मान लेते हैं कि लगा हुआ है, ये इसकी रूट है। तो इसकी रूट जो है, अगर इसके प्लांट्स के जो लगे हुए हैं उनकी रूट की पहुंच यहां तक की है, तो जो वाटर एब्जॉर्ब होके ग्रेविटी फोर्स से नीचे चला जाता है, मतलब यह है कि प्लांट का जो रूट है उसकी पहुंच के नीचे चला जाता है, इसी वाटर को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। तो जब जाहिर सी बात है ये प्लांट के रूट की पहुंच से ही बाहर है तो ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट इसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन इसको आप पंप से बाहर निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल में आप पंप लगा करके फिर इस वाटर को बाहर निकाल सकते हैं, इसको सिंचाई के काम में ला सकते हैं और दूसरे काम में भी ला सकते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है ये प्लांट्स के लिए डायरेक्ट तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन इसको आप इस तरह से ट्यूबवेल से आप इसको बाहर खींच सकते हैं और इसको आप सिंचाई में काम कर आ सकता है आपके, या और किसी पर्पज से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है ये डायरेक्ट प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो ये थ्री टाइप के मेन टाइप के हो गए वाटर। एक तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि सॉयल से फिल्म की तरह चिपका हुआ होता है और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी वाटर, ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है और प्लांट्स इसको इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर वो होता है जो प्लांट की रूट से नीचे चला जाता है और ये प्लांट्स के लिए डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता क्योंकि प्लांट का रूट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, लेकिन इसको हम पंपिंग सेट से इसको बाहर हम इसको खींच सकते हैं और इसको दूसरे पर्पज में यूज कर सकते हैं। एक और अगर देखा जाए, एक और टाइप का वाटर है जिसको कि कंबाइंड वाटर कहा जाता है, कंबाइंड वाटर, या इसको केमिकली कंबाइंड वाटर भी कहा जाता है या केमिकल बाउंड वाटर भी कहा जाता है। ये वाटर भी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए भी नहीं होता क्योंकि इस वाटर के साथ बहुत सारे केमिकल्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसलिए ये वाटर
प्लांट्स के यूज का नहीं रह जाता और हम लोगों के लिए भी ये ड्रिंकिंग के यूज का नहीं रह जाता। तो ये कंबाइंड वाटर, ये फोर्थ टाइप का हुआ, वो वाटर जो कि सॉइल में पाया जाता है। हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये थ्री मेन टाइप के हुए। अगर आप इसको कंबाइंड वाटर या केमिकली कंबाइंड वाटर इसको भी आप ऐड करना चाहें तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये वाटर बहुत सारे केमिकल से कंबाइंड होता है जो कि प्लांट्स के यूज का नहीं रह जाता। एक और टाइप का अगर वाटर आप कहना चाहें तो एटमॉस्फेरिक वेपर जो होता है उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फोर मेन टाइप के वाटर्स हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं और प्लांट्स के लिए ये केवल कैपिलरी वाटर यही अवेलेबल होता है, प्लांट्स इसी को अब्सॉर्ब करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।